ऊर्जा, उसी तरीके का मोमेंटम, उस ओपन बस में ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल रहा है। देखिए जरा, रोहित शर्मा और विराट कोहली, ये वो जोड़ी, ये वो जुगलबंदी। और इस बार T20 वर्ल्ड कप में तो कमाल कर दिया, जिस तरीके से पोजीशन बदली। मरीन ड्राइव के ऊपर इतने लोग थे, इतने लोग हैं कि अभी भी लाइव मेरे सामने चल रहा है और मैं देख रहा हूँ कि जो बस है ना वो कीड़ी की स्पीड से चल रही है, ढींग ढींग के चल रही है। फीफा को पीछे छोड़ दिया भाई साहब, फीफा को पीछे छोड़ दिया क्रिकेट ने। इंडिया के अंदर क्रिकेट इस वक्त पीक के ऊपर जा चुकी हुई है। कि सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, रोहित, जिस तरह आवाम में आके उन्होंने पांड्या, जिस तरह आवाम में आके उन्होंने डांस करा, तो ये बताता है कि वो अपनी आवाम को बहुत ज्यादा फोकियत देते हैं, मोहब्बत करते हैं। दोस्तों, तो रोहित शर्मा और विराट कोहली ने इंडिया की जीत की परेड में बस में किस तरीके से सेलिब्रेशन किया इंडिया की टीम ने, वो देखते और उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते, तो चलिए शुरू करते हैं मजेदार वीडियो। मिल रही है उसी तरीके की ऊर्जा, उसी तरीके का मोमेंटम, उस ओपन बस में ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल रहा है। देखिए जरा, रोहित शर्मा और विराट कोहली, ये वो जोड़ी, ये वो जुगलबंदी। और इस बार T20 वर्ल्ड कप में तो कमाल कर दिया, जिस तरीके से पोजीशन बदली, नंबर बदला, ओपनिंग करने के लिए रोहित के साथ विराट कोहली आए, उसने कहीं ना कहीं जितने क्रिकेट लवर्स थे बहुत से लोगों की तो जैसे मन मांगी जो मुराद थी वो पूरी कर दी। और इस जोड़ी को जितना ज्यादा फैंस देखना चाहते हैं उतना ही ज्यादा इस वक्त ये जोड़ी जो ट्रॉफी हाथ में लिए हुए फैंस के बीच से विक्ट्री परेड करते हुए आगे गुजर रही है। ये तस्वीरें हैं जो लोगों के जहन में हमेशा के लिए समा जाएंगे। आप देखिए हार्दिक पांड्या, आप देखिए अक्षर पटेल, वो देखिए जरा यजवेंद्र चहल, मेरी तो नजर नहीं हट रही है, रात के अंधेरे में भी काला चश्मा जच रहा है उनके मुखड़े पर और तिरंगा जिसमें लिपटे हुए ज्यादातर खिलाड़ी यहाँ पर नजर आ रहे हैं कितने रिलैक्स मोड में। विराट कोहली को आप देख रहे हैं बाकायदा फैंस के जोश से तालमेल करते हुए, चीयर अप करते हुए, तालियां बजाते हुए, और एक बार फिर से वो ट्रॉफी है वो ऊपर उठाते हुए। ये है जोश, जुनून, जज्बा, ये है यूनिटी, ये है एकता, जिसकी मिसाल जिस तरीके से मैदान पर टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने दिखाई और एक यूनिट की तरह जिस तरीके से मैदान पर उतरे और हर किसी ने अपना 100% GS विवेक को अंग्रेजी में कहते हैं ना इन्फेक्शियस, इस वक्त ये जो ऊर्जा इन तस्वीरों से देखने के लिए मैंने कभी नहीं देखा। मैंने 2007 कवर किया जब जीता, उस जश्न का भी हिस्सा था। 2011 जब इंडिया जीती तो इसी मरीन ड्राइव पर मैं भी खड़ा था, और जब मैच कवर करने के बाद, और ये आज का दिन है। मैं बता दूं कि वो पहले तो जो सिनारियो थे, जो इंस्टेंसेस थे, वो कहीं भी इसके मुकाबले आसपास भी नहीं। भाई साहब, जो मैंने देख लिया मैं आपको लफ्जों के अंदर बयान नहीं कर सकता। इतने लोग सोचे नहीं थे जितने लोग मैंने आज देख लिए। अभी भी लाइव चल रहा है, इंडियन टीम का स्टेडियम तक जाना मुश्किल हो गया। मरीन ड्राइव से लेके स्टेडियम तक, मुंबई एयरपोर्ट की अगर बात करें, हर जगह लोग ही लोग हैं। एक तरफ मुंबई का समंदर है, दूसरी तरफ लोगों का समंदर है। फुटबॉल को भी पीछे छोड़ दिया, अर्जेंटीना जब जीती थी फुटबॉल का टाइटल, जब वो अपने मुल्क के अंदर गए थे, मैंने तब देखे थे इतने सारे लोग सड़कों पे निकले हुए। और आज जब इंडियन टीम अपने मुल्क के अंदर वापस गई है, ट्रॉफी परेड, और जिस तरह से मैंने लोगों को देखा है, एक पूरी जो कहते हैं ओपन रूफ बस होती है वो तैयार की गई है चैंपियंस 2024 के नाम से, पूरी सजाई हुई है। उस बस के अंदर विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, सारी इंडियन टीम बैठती है और फिर निकलती है मरीन ड्राइव से होती हुई वानखेड़े स्टेडियम के लिए। मरीन ड्राइव के ऊपर इतने लोग थे, इतने लोग हैं कि अभी भी लाइव मेरे सामने चल रहा है और मैं देख रहा हूं कि जो बस है ना वो कीड़ी की स्पीड से चल रही है, ढींग ढींग के चल रही है। इसको भी छोड़ दें, जो बंदा वानखेड़े के स्टेडियम में बैठा हुआ है, फुल हाउस हुआ हुआ है, बारिश के अंदर वो लोग बैठे रहे, अब आप अंदाजा रहे कितने लोग होंगे। वानखेड़े का स्टेडियम 30-40 हजार लोग कंफर्म, 30-40 हजार लोग कंफर्म ना, वानखेड़े का स्टेडियम फुल हुआ हुआ है। उससे ज्यादा आवाम सड़कों के ऊपर है। मरीन ड्राइव के ऊपर मेरे ख्याल से लगभग कोई 1.5 से 2 लाख बंदा इस वक्त जिसको कहते हैं ना मरीन ड्राइव के ऊपर होगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं मुंबई एयरपोर्ट की, तो वहां पे भी आप लगा लेंगे 10-20 हजार बंदा होगा। तो तकरीबन आज जितना इंडियन बंदा निकला हुआ है बाहर, इससे पता चलता है खाली लड़के नहीं है, लड़कियां हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, हर कोई आया हुआ है। ये बताता है ये लोग कितना, जैसा कहते हैं ना चार से ट्रॉफी को, इनको कितना बेताबी से वेट था कि ट्रॉफी हमें चाहिए, ट्रॉफी हमारे पास आए और फाइनली उनको ट्रॉफी मिली। एक मध्य का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, ये इसके लिए हमने बड़ा इंतजार किया, बड़ा सबर किया, तो लिटरली शॉक करके रख दिया भारत ने जिस तरीके का उनको वेलकम मिल रहा है। खाली अभी मुंबई की बात हो रही है। अभी अगर रोहित शर्मा कह दे कि हम हर इंडिया के शहर का टूर करेंगे तो आपको हर रोज हर शहर ब्लॉक नजर आएगा। आज पूरा मुंबई जाम हुआ हुआ है, जिस तरीके का वेलकम इंडियन टीम का हो रहा है ये डिजर्व करते थे। फीफा को पीछे छोड़ दिया भाई साहब, फीफा को पीछे छोड़ दिया क्रिकेट ने। इंडिया के अंदर क्रिकेट पीक के ऊपर जा चुकी हुई। ड्रॉट था जो कि 2007 में वो फर्स्ट इनॉग्रेशन T20 वर्ल्ड कप जीते थे, उसके बाद अब 2024 आया, तो ये एक इमोशंस है बेसिकली, सिर्फ उन प्लेयर्स के लिए भी इमोशंस है और एक और पूरी कंट्री के लिए भी इमोशंस है उनके लिए। तो इसी वजह से अब उनका वार्म वेलकम के लिए तैयारियां की जा रही है। दिल्ली में उन लोगों का पहले वार्म वेलकम होना है और उनको चार्टर्ड प्लेन के थ्रू बुलाया जा रहा है पूरी इंडियन टीम को, तो ये एक बहुत स्पेशल मोमेंट है उनके लिए। वो अपनी खुशियां अपनी पब्लिक के साथ शेयर कर रहे हैं, अच्छी बात है। इंडिया के लिए बड़ी प्राउड फीलिंग है कि आफ्टर 70 के बाद उन्होंने
एक ट्रॉफी की है, और जिस तरह रोहित शर्मा का हमें दुख है कि वो जिस तरह लास्ट टाइम 2023 में एक क्वालिफाई कर गए थे, अनबीटन टीम थी, नहीं वर्ल्ड कप जीत सके, लेकिन अभी अल्लाह ने उन्हें इज्जत दी है, अल्लाह क्योंकि उनकी जो उन्होंने मेहनत की थी उनको उनका फल मिला है। अफगानिस्तान इसलिए कर रहा है क्योंकि इंडियन जो बोर्ड है वो भी अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, उनके लड़के रेडी कर रहा है, आईपीएल में खिला रहे हैं, बाकी कनाडा में, यूके में, यूएसए में उधर रहते हैं इंडियन, उन्होंने जश्न करना था। पाकिस्तान में लोगों ने काफ़ी किया है, काफ़ी खुश हुए हैं लोग, क्योंकि कोई तो एशिया की टीम आई है ना आगे, एशिया की टीम ने जिस तरीके से इस वक्त इंडिया में ढोल बजाए जा रहे हैं और नाचा जा रहा है, डांस किया जा रहा है। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं पीएम मोदी साहब, उनसे मुलाकात हुई है इंडिया की टीम की, पीएम मोदी के साथ उनकी ये मीटिंग उनके घर पर रखी गई। हमारे पास हर वर्ल्ड कप हो, चैंपियन ट्रॉफी हमारे पास हो, T20 कोई भी ना जीते, बस हम आए और जीत के चले। सर मतलब चैंपियन ट्रॉफी जो आने वाली है वो भी इंडिया कह रहा है मेरे पास जी, वो भी यही कह रहा है। वो तो सर तैयारी कर रहे होंगे ना, बहुत मुश्किल है, उन्होंने कोई ना कोई चक्कर डाल रहा है कि ये हमें फलां कर दे, हमने पाकिस्तान नहीं आना जी, पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला है, ये मसला वो है। पहले भी चैंपियंस थे, अच्छा तो वो अब भी चैंपियन है टीम इंडिया। आप नोट करेंगे हमेशा चैंपियंस की तरह खेलती है जिस भी वर्ल्ड कप में, उनका वे ऑफ प्लेइंग चेंज नहीं होता। अगर तो वो हिटिंग के लिए जा रहे हैं दे विल गो फॉर हिटिंग। अगर फाइनल की सबसे बेस्ट चीज विकेट्स ड्रॉप हुई हैं, रोहित आउट हुआ है, रन रेट नहीं ड्रॉप हुआ, ये हमें सीखना चाहिए। इक्वल प्रेशर, इक्वल खेला है। जो तीसरी पावर है ना वो इंडिया है, आप मानो या ना मानो, पहला अमेरिका, दूसरा चाइना, तीसरा इंडिया, और वो बन भी रहा है, सेम है भी ऐसा। ये बात हकीकत है, पाकिस्तान हमेशा कर्जे के नीचे रहेगा और रहते। तो ये मोदी साहब से मुलाकात हुई है ना इंडियन टीम की, अब इंडियन टीम मुंबई की तरफ रवाना हो चुकी है। लेकिन लास्ट टाइम में जब हमने देखा कि जब इंडिया की टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में हार गई थी, और उसके बाद इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया टीम के ड्रेसिंग रूम में गए और वहां पर जाके एक एक खिलाड़ी के साथ हाथ मिलाया। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स शादाब रियाज ते बाबर आजम किथे हो गए, तुसी कहाँ छुपे हुए हैं, आप जरा बाहर निकल कर आए और ये देखें कि वहां पे इंडिया में हो क्या रहा है। और आज मुझे वो याद आ रहा है, वो वाली वीडियो जो मैंने देखी थी कि तब जो आप खिलाड़ियों को हौसला दे रहे थे, और आज आप देख लें कि अभी एक साल भी नहीं हुआ और इंडिया की टीम ने कप जो। तो जैसे कि दोस्तों आपने पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखा, भारत के इस विजय रथ पर, भारत के विजय परेड पर जो मरीन ड्राइव पर निकलने वाले थे वो निकल गई, और क्या ही पब्लिक, मतलब कि यार अंधाधुंध पब्लिक दिख रही है, पब्लिक के सिवा मतलब कि सभी जगह ना सिर ही दिख रहे हैं, सिर की जगह और कुछ दिख ही नहीं रहा है। इतने ज़्यादा लोग, मतलब कि जब फीफा में वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने जीता था तब भी अर्जेंटीना में पूरा देश निकल गया था, तो यहाँ पे तो हमारे तो सिर्फ अब मुंबई की पब्लिक ही निकली हुई है, पूरे देश की पब्लिक तो निकली ही नहीं है। अगर पूरे देश की पब्लिक निकलता थी तो अर्जेंटीना का जो रिकॉर्ड था सबसे हाईएस्ट पब्लिक, यानी कि टीम का वर्ल्ड कप में जमा होने का, जीतने के बाद जो विनिंग परेड जो निकाली जाती है देश में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पब्लिक का जमा होना, वो रिकॉर्ड अर्जेंटीना के नाम था। लेकिन आज भारत ने, अकेले मुंबई ने साबित कर दिखाया कि हमारे यहाँ क्रिकेट को कितनी ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, क्रिकेट को किस तरीके से सराहना जाता है। इसे ऐसे ही मतलब कि सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान नहीं कहा जाता है, मतलब कि यार भारत में ना क्रिकेट की पूजा की जाती है लिटरली। जब नई नई पिच पे क्रिकेट को शुरू करना होता है ना, तो भारत में क्रिकेट की पूजा की जाती है, नाड़ियाँ चढ़ाया जाता है, ये सब कुछ किया जाता है क्रिकेट को। इतने ज़्यादा भारत मतलब कि क्रिकेट को रिस्पेक्ट करता है और इतना ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में। अगर मतलब कि मैं एक बात देख रहा था, पैट कमिंस जब 2023 का वर्ल्ड कप भारत से जीत गया ना, तो तब ऑस्ट्रेलिया में कोई भी नहीं, मतलब कि उसका सम्मान करने के लिए भी कोई नहीं, वहाँ पर पब्लिक भी नहीं, बस दो तीन लोग उसकी फोटो खींच रहे और वो अपना इतना बड़ा सा लगेज लेकर जा रहा है एयरपोर्ट से। और दूसरी तरफ आप इंडिया में देख लीजिए, अगर ऑस्ट्रेलिया के पास पांच पांच ट्रॉफी है लेकिन फिर भी हमारे जितना क्राउड, ऑस्ट्रेलिया पांच ट्रॉफी भी जीत चुका है ना, लेकिन हमारे जितना क्राउड ऑस्ट्रेलिया के पास कभी नहीं हो सकता और कभी आ भी नहीं सकता। हमें इस बात का गर्व है कि हमारे पास, हम जब एक ट्रॉफी भी जीते हुए ना, तो मतलब कि आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोग हमारे जमा हो गए, तकरीबन 3 से 4 लाख लोग टीम इंडिया की जो वर्ल्ड कप की विक्ट्री है उसको सेलिब्रेट करने के लिए रोड पर उतर आए, एयरपोर्ट पे आए, और स्टेडियम मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम तो पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा ऐसा, भले ही 5 ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया जीत चुका हो लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक बार भी हमने ऐसा नहीं देखा। तो ये इंडिया की शान है, आन है, बान है कि इस तरीके की ऑस्ट्रेलिया करके दिखाए। ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा इंडिया के पीछे पड़ता है ना, तो ऑस्ट्रेलिया तुम इस तरीके का फैन बेस करके दिखाओ तुम्हारे देश में, तुम्हारी औकात नहीं है। और यार मतलब कि लोग ही लोग जहाँ पे भी देखे, लोग के सिवा बस कुछ और दिख ही नहीं रहा, इतने ज़्यादा लोग मतलब कि यार सच में। और विराट कोहली और रोहित शर्मा ने जब बस में ट्रॉफी उठाई सेलिब्रेट किया तब यार लिटरली गूज़बम्प आ चुके थे।
इस तरीके की उन्होंने सेलिब्रेशन की। उसके बाद सभी खिलाड़ी एक के बाद एक आया और जिस तरीके की टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने बस में सेलिब्रेशन की यार, मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। मैं तो वहाँ पर नहीं जा सका, लेकिन जो मैंने लाइव देखा है मोबाइल में, मतलब कि यार एकदम बोलते हैं ना, इसे बोलते हैं परेड, विनिंग परेड निकालना। कुछ सीखो पाकिस्तानियों। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो कोई पे खत्म, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।